और कर्नाटक में भारी जीत से कांग्रेस गदगद है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि ये जीत पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी और आने वाले दिनों में पार्टी का प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। कर्नाटक के बहुमत का क्या मैसेज है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयराम रमेश जी, जो मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, महासचिव भी हैं, तमाम चीज़ हैं, और कर्नाटक के रहने वाले भी आप हैं सर। चिकमंगलूर से जोड़ के देखा जा रहा था, चिकमंगलूर में इंदिरा गांधी आई थी 77 से 79 के बीच में, और उसके बाद आपकी पार्टी की स्थिति दोबारा सुधरी थी, सरकार में आए थे, क्या इसको चिकमंगलूर से जोड़ा जाए? क्या चिकमंगलूर में हमारी उम्मीद थी कि 5 में से हमें 3 सीटें मिलेंगी, इस बार हमारे उम्मीदवार 4 सीट में जीते और 5वें में निर्दलीय जीता, जो कांग्रेस को समर्थन करने का ऐलान भी किया है, तो ऐसा माना जाए 5ों में से 5 हम जीते हैं। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था चिकमंगलूर, और यहाँ हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर है, बहुत उम्दा है, और ये कर्नाटक में जो हुआ है ये परिवर्तन उसको दर्शाता है। जो प्रचंड बहुमत मिला है, भारी बहुमत मिला है, सिर्फ स्पष्ट बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत मिला है कांग्रेस पार्टी को, एक ऐतिहासिक मील पत्थर है ये। लेकिन मैंने यही सवाल पूछा आपसे कि चूंकि सत्ता में वापसी हुई थी चिकमंगलूर में क्लीन स्वीप के बाद, आज आप लोग मानते हैं कि इस बार सत्ता में वापसी हो सकती है केंद्र में आपकी? 78 में हमारे कांग्रेस पार्टी को 78 में चिकमंगलूर से हमें संजीवनी मिली। संजीवनी हमें भारत जोड़ो यात्रा के समय मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे संगठन में एकता और एकजुटता, अनुशासन देखने को मिला। हम 7 ज़िले से गुजरे, 21 असेंबली सीटों से हम गुजरे, जिसमें से सिर्फ 5 कांग्रेस के पास थी, इस बार हम 15 जीते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के समय से मेरा ये मानना था कि जब चुनाव का वक्त आएगा ये निर्णायक चुनाव होगा और हमें जनादेश मिलेगा। Zini.